नमस्कार, के न्यूज के नेशनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का जो कि बिहार से मिल रही है। आपको बता दें, बिहार के मोकामा सीट पर नीलम देवी की जीत हुई है। यहां पर तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से, जहां पर आरजेडी प्रत्याशी है नीलम देवी। नीलम देवी की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। मोकामा सीट पर नीलम देवी की जीत, तो बड़ी खबर बिहार के मोकामा से, जहां पर उपचुनाव में मोकामा सीट पर नीलम देवी ने जीत दर्ज की है। आरजेडी प्रत्याशी है नीलम देवी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य पाठक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, मोकामा सीट पर आरजेडी की जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत दर्ज की है, कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को? देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो लगातार शुरू से ही जो है, जब से मतगणना का कार्य कहीं ना कहीं जारी हुआ था, शुरू से ही जो है नीलम देवी ने कहीं ना कहीं जो है वहां पे बढ़त बना के रखा था। लगातार जो है बीजेपी की प्रत्याशी जो सोनम देवी थी उनको जो है वो उन्होंने आगे आने नहीं दिया और अपनी जीत से पूर्ण तरह से जो है आश्वस्त, इनके कार्यकर्ताओं में भी जो है पूरी तरह से जो है उत्साह नजर आ रहा था। और कल से परसों जो है ये 2 दिन पूर्व ही अगर बात की जाए तो जिनके पटने के आवास पे जो है मिठाइयां जो है वो बननी चाली हुई थी, लगातार पटाखों का जो है इंतजाम किया गया था। और आज कहीं ना कहीं जो है 20 राउंड की गिनती खत्म होते ही, जब जैसे ही मतगणना केंद्र से जो कर्मी गण थे वो बाहर आए, उसके बाद यह जो है घोषणा कर दी गई थी, 15,000 से लगभग अधिक वोटों से जो है नीलम देवी की यहाँ पे जो है जीत हुई है। और महागठबंधन समर्थित जो भी एक तरह से कार्यकर्ता है उनके अंदर जो है जोश देखा जा रहा है और लगातार जो है हर जगह पे ढोल वो जो है देखे जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जो है उत्साह नजर आ रही है। ये वही नीलम देवी है जो यहाँ के मोकामा के बाहुबली विधायक कहे जाने वाले अनंत सिंह की जगह पे जो है इनको इस बार जो है कहीं ना कहीं जो है टिकट दिया गया था। अनंत सिंह जो है इस बार जेल में बंद है और इसके अलावे जो है महागठबंधन ने यहाँ पे जो है इनके ऊपर जो है विश्वास जताते हुए जो है इनको इन पर टिकट दिया था और उन्होंने जो है इसका पूरा फायदा उठाते हुए जो है यहाँ पे जीत दर्ज की है। जी, अगर बात की जाए आदित्य, तो जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, तो अब सरकार और मजबूती के साथ कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक मजबूत कड़ी के तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यह कहना जायज ही होगा क्योंकि जो है जिस तरीके से आरजेडी ने जो है एक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है उसका जो है सीधा नतीजा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से कोई बड़े चेहरे जो है प्रचार करने के नहीं आए थे, उनके तमाम विधायक जो है वो क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे थे, अकेले नीलम देवी जो है यहाँ पे सब पे सबके ऊपर भारी पड़ी है। बीजेपी ने हालांकि अपने तमाम तरह के नेताओं को जो है वहां पे कैंपेन करने के लिए लगाया था और सोनम देवी के पक्ष में जो है वोट मांगने के लिए लगातार जो है डोर टू डोर जो है बीजेपी वहां पे संपर्क कर रही थी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो है सीधा जो है नतीजा जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं आया। नीलम देवी ने वहां पे जो है जीत को लेके जो आश्वस्त थी वो आज जो है कहीं ना कहीं उसका सही नतीजा जो है वो देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है आरजेडी खेमे में भी जो है जबरदस्त खुशी की जो है उत्साह देखी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक विधायक कहीं ना कहीं बढ़ जाता है तो आरजेडी अभी भी बिहार की जो है बड़ी जो है पार्टी है और यहाँ पे एक जो विधायक इसके पास आने से जो है और भी कहीं ना कहीं जो है इनको जो है ताकत मिलेगी। जी चलिए आदित्य, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, बिहार की मोकामा सीट पर नीलम देवी आरजेडी प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है नीलम देवी की जीत को लेकर। बता दें, बिहार की मोकामा सीट पर नीलम देवी ने जीत दर्ज की है।